तो जी आज का हमारा टॉपिक है लाइसोजेनिक बैक्टीरियल पेज के पार्ट टू के बारे में मैं आपको पढ़ने जा रहा हूं। इससे पहले लाइटिक साइकिल पढ़ चुके हैं। तो जी लाइसोजेनिक साइकिल किस साइकिल को कहते हैं? लाइसोजेनिक साइकिल प्रिंटशिप एनवायरनमेंट में जब बैक्टीरियल वायरस रहते हैं तो उस साइकिल को हम कहते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। अब ये बात याद रखें कि यहाँ पर भी बैक्टीरिया सेल ब्रस्ट होगी, लेकिन अगर वायरस यानी एंटर होने वाला वायरस बेवफाई करे यानी इंडक्शन के स्टेज में यहाँ पर होगी। तो जी मैं आगे आपको ले जाने जा रहा हूँ। सबसे पहले लाइसोजेनिक का मतलब है होस्ट एंड गेस्ट रिलेशन यानी फ्रेंडशिप एनवायरनमेंट। तो जी इट इज द टाइप ऑफ बैक्टीरियो पेज साइकिल इन विच बैक्टीरिया एंड वायरस लिव मल्टीप्लाई लिव एंड ए पीसफुल को एग्जिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड लाइसोजेनिक साइकिल। तो यहाँ पर इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस को एक्सप्लेनेशन करने के लिए इसकी मुख्तलिफ स्टेजेस आपको दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है कि बैक्टीरिया सेल के साथ वायरस को अटैच हो जाता है, एक रिसेप्टर साइट के साथ अटैच हो जाता है। अब अटैचमेंट के बाद ये अपने टिल फाइबर में एक स्पेसिफिक एंजाइम रखता है जिसको लाइसोजाइम कहते हैं, और इस एंजाइम का काम क्या है कि ये बैक्टीरिया की सेल को क्या करता है, डाइजेस्ट करके इसके अंदर ओपनिंग बना लेते हैं, जो कि आपको शायद इस पिक्चर में नजर आ रहा है जी। इसके बाद ओपनिंग के बाद फिर ये वायरल अपने डीएनए को इंजेक्ट कर लेते हैं, जिसको पेंट्रेशन कहते हैं, एंट्री ऑफ डीएनए वायरल डीएनए इनटू बैक्टीरिया सेल। एंट्री के बाद क्या हो जाता है, प्रोपेज बन जाता है यानी बैक्टीरियल डीएनए और वायरल डीएनए क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपेज। ये प्रोपेज अब जी इनके दरमियान क्या है, एक रिलेशन बन जाती है होस्ट और गेस्ट का। ये बात याद रखे कि यहां पर चूंकि वायरल डीएनए क्या करते हैं, वायरल डीएनए बैक्टीरिया की डीएनए की यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए यहां पर एक रिलेशन होस्ट और गेस्ट रिलेशन बन जाता है। इसी स्टेज में बैक्टीरिया नॉर्मली रिप्रोडक्शन करता है, मल्टीप्लिकेशन करता है, और जैसे ही बैक्टीरिया बढ़ती है ईच एंड एवरी सक्सेसिव जनरेशन वायरल डीएनए इज आल्सो रिप्लिकेट। तो रिप्लिकेशन आप प्रोपेज का ये मतलब है। अब जी आखिर में क्या है, आखिर स्टेज में क्या है कि जब ये बैक्टीरियल डीएनए से ये जब अलग हो जाता है, अब ये अलग होना क्या है, खतरनाक है। जब वायरल डीएनए बैक्टीरियल डीएनए से जब अलग हो जाता है तो इसको हम कहते हैं इंडक्शन। यहां से फिर लाइटिक साइकिल शुरू हो जाती है, और एक मर्तबा फिर अब बैक्टीरिया को खतरा पड़ गया, उसकी बैक्टीरिया सेल को ब्रस्ट का खतरा पड़ जाता है। तो यहां पर इस पूरी लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज को फिर हम कहते हैं कि दिस इज लाइसोजेनिक साइकिल। ये भी एक हद तक आखिर में लाइटिक साइकिल बन जाता है। बहरहाल ये इसके स्टेजेस है और ये इसके डायग्राम है। तो ये यहाँ तक है। इंशाल्लाह आगे इसी चैप्टर के जो भी टॉपिक शेड्यूल के मुताबिक होंगे, कोर्स के मुताबिक होंगे, इंशाल्लाह वही आपको मैं पढ़ाऊँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और एक कमेंट्स लाजमी तौर पर किया करें, ताकि मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट इसको देख भी रहे हैं। थैंक यू।